गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों से कहा करते थे कि हमारी जीभ दुनिया का सबसे तेज चाकू है और दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार है हमारे शब्द, जो बिना किसी खून खराबे के लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत है, लेकिन ये हमारी कमजोरी भी हो सकते हैं यदि हमें नहीं पता कि हमें कब, कहाँ और कितना बोलना है। यदि हम सही समय पर सही इरादे से शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये हमें एक सफल व्यक्ति बनाते हैं, लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादों से शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं तो ये हमारे जीवन को नरक से भी बदतर बना सकते हैं। तो आज मैं आपको मौन पर एक कहानी सुनाऊंगा और ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। ये कहानी आपको मौन अर्थात चुप रहने की शक्ति का एहसास कराने जा रही है। जापान में एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहते थे। वह दुनिया के शोरगुल से बहुत दूर जंगल में अकेले रहते थे और वह बहुत ही ध्यानमग्न व्यक्ति थे। एक दिन उनके पास एक राजकुमार आया और बोला, प्रिय साधु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत बेचैन रहता है, हालांकि मेरे पास सब कुछ है, धन, प्रसिद्धि और सभी बिल सीखा जो हर व्यक्ति पाने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर शांति नहीं है। साधु ने कहा, आपको इसका उत्तर पता है, लेकिन आपने कभी इसकी खोज नहीं की। साधु ने कहा कि मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ, क्या आप वह प्रयोग करना चाहोगे? इस प्रयोग के बाद आपके जीवन में कोई अशांति और चिंता नहीं रहेगी। यह सब सुनकर राजकुमार बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने साधु से कहा कि मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूं? मैं अपने मन की शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तब साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगले 10 दिनों तक आप मेरे आश्रम में रहेंगे और सामान्य व्यक्ति की तरह रहेंगे, और इन 10 दिनों तक आप अकेले मौन में बैठोगे और जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार साधु की बात से सहमत हो गया। पहले दिन उन्हें लगा कि उनका मन सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा विचलित है। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसके भीतर बोलने की प्रबल इच्छा थी, लेकिन वह मान गया और कुछ न बोला, यहाँ तक कि एक शब्द भी नहीं बोला और वह चुपचाप बैठे रहा। लेकिन जैसे जैसे रात होती गई, उसे एक बड़ी शांति का अनुभव हुआ। उसके लिए यह बहुत अजीब था। वह अंदर ही अंदर खुश हो रहा था और अपने आप से ही पूछ रहा था कि बेचैनी कम क्यों हो रही है। अगले दिन राजकुमार एकांत में बैठा प्रकृति को, फूलों को, पौधों को, आकाश में उड़ते पक्षियों को देख रहा था। अपने जीवन में वह पहली बार देख रहा था कि उसके चारों ओर कितनी सुंदर प्रकृति है। वह हर रोज अपने चारों ओर देखता और महसूस करता। इस तरह एक हफ्ता बीत गया और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी उथल पुथल सब कुछ समाप्त हो गया। 8वें दिन की सुबह राजकुमार की आंखें अपने आप बंद होने लगी और वह गहरे ध्यान में डूब गया। उसने आंखें बंद की और गहरे ध्यान में चला गया। कोई चिंता नहीं थी, मन में भी शांति थी। राजकुमार को भीतर ही भीतर गहन शक्ति का अनुभव होने लगा। बाकी के 2 दिन गहरे ध्यान में बीतने के बाद राजकुमार खुद को एक बौद्ध भिक्षु के सामने प्रस्तुत करता है। राजकुमार ने साधु से कहा कि प्रिय साधु, मुझे उत्तर मिला कि मेरा मन इतना अशांत क्यों है। साधु ने पूछा, बताओ क्या जवाब मिला। राजकुमार ने बताया कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा बातें करता था और दिन भर लोगों पर ऊर्जा बर्बाद करता था और उनके बारे में अकेले ही सोचता रहता था और ज़्यादातर उनके बारे में नकारात्मक ही सोचता था।
इस प्रकार मेरा समय नष्ट हो रहा था और अधिक बातें करने और सोचने से मेरा मन अशांत हो गया था। इस वजह से मैं कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाता था, जिसके कारण मैं लगभग हर काम में असफल होने लगा था और निरंतर असफलता ने मुझे और अधिक उदार और चिड़चिड़ा बना दिया और इसने मेरे जीवन को और नष्ट कर दिया। लेकिन ये 10 दिन बिल्कुल अलग है। अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से जी रहा हूँ और इससे पहले मैं अपनी ज़िंदगी गलत तरीके से जी रहा था। मैंने यह भी सीखा कि ध्यान की आवश्यकता नहीं है, ध्यान अपने आप हो जाता है। ध्यान से मैंने पहली बार ये सीख ली कि किसी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि आप ही नहीं, दुनिया में ज़्यादातर लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। आज भी ज़्यादातर लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं और आज भी लोग ज़्यादा बात करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। साधु ने राजकुमार को मौन रहने का महत्व समझाया और कहा कि एक बार शिष्य गौतम बुद्ध से पूछते हैं कि प्रिय बुद्ध, आप अधिकांश समय मौन में क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, मैं गहराई से मौन रहता हूँ। मौन स्वयं को जानने की पहली सीढ़ी है। यदि आप मौन नहीं रह सकते तो स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानने के लिए पहली सीढ़ी मौन है। जितनी ज़रूरत हो उतना ही बोले और यहाँ आप पाओगे कि 90% बोलना हानिकारक होता है। नहीं बोलते तो अच्छा था। 90% मुश्किलें कम हो जाती है अगर लोग थोड़ा सा चुप हो जाए। दुनिया में बहुत सारी मुसीबतें सिर्फ बोलने से पैदा हो जाती है। जो मौन रहना जानता है वो भीड़ में भी अकेले रहने का हुनर जानता है। एकांत में मनुष्य स्वर्ग भी है। दूसरों की उपस्थिति बेचैनी पैदा करती है। पहले अपने साथ मौन धारण करो, फिर अपनी ऊर्जा को मौन में आने दो, मन को भर आने दो। जब आप दूसरों की उपस्थिति से उठते हैं और परेशान हो जाते हैं तो उचित है आप अपनी आंखें बंद कर ले और अपने आप में खो जाए। तुम वहाँ से भी ताजगी पाओगे क्योंकि तुम्हारे जीवन का स्रोत वहीं छिपा है, वह किसी और में नहीं है। तुम्हारी जड़ें तुम्हारे जैसी है। आखिर कौन तुम्हें अपने भीतर ले जाएगा? यदि कोई ना हो तो मुझे स्वयं ही भीतर जाना होगा। इसलिए अपने भीतर जाओ, वहीं परम राजा है, वहीं जीवन का स्रोत है, वहीं से आनंद का जन्म होता है, वहीं से तुम मृत्यु में डूबोगे, वहीं तुम्हारा सूर्य उदय होगा और फिर अस्त होगा। जब भी तुम डुबकी लगाकर लौटोगे वहीं से पाओगे और तुम फिर से तरोताजा हो जाओगे। तब जीवन का नया धन पाओगे, फिर नई शक्ति का जन्म होता है। थकान मिटती है, उदासी मिटती है, चिंता मिटती है। जैसे कोई नहाकर आता है शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है, ऐसे ही भीतर से कोई वापस आता है तो मौन में स्नान करके लौट आता है तो पूरा व्यक्तित्व शांत हो जाता है और मन आनंदित हो जाता है। जब आप अतिरिक्त मोह की उस ऊंचाई पर पहुंच जाओगे तो आप पाओगे कि आपका मन बोलने से भी अंतर तुम्हारे भीतर बैठी उसकी अंतरधारा बनी रहती है। तुम बोले लेकिन अपने को मत छोड़ो। आप शब्दों का प्रयोग भी करते हैं लेकिन अपनी चुप्पी नहीं छोड़ सकते। जब तुम्हारी वाणी में सुगंध होगी फिर तुम्हारी वाणी में विशालता होगी। जो तुम्हारे बोलने का संगीत होगा सब ठीक हो जाएगा। फिर आप बोलोगे तो दूसरे ठंडे पड़ जाएंगे। मौन होते ही आप इतने शक्तिशाली होने लगते हैं कि समाज की पराधीनता छोड़ने लगते हैं और आपकी ज़िंदगी में ऐसा मज़ा आने लगता है जो सिर्फ दीवानों की ज़िंदगी में होता है। आपके चेहरे पर एक नई चमक आ जाती है। आपकी आंखें नमी और चमक से भर जाती है और आप असीम शांति के सागर में डूबने लगेंगे। ऐसा कहकर बुद्ध ने अपनी बात समाप्त की।
दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि ज़्यादा बातें करने से मन शांत हो जाता है। हम अपने मन के साथ साथ अपने ध्यान पर भी नियंत्रण खो देते हैं। जो लोग अधिक ही बातें करते हैं, उनमें किसी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता नहीं होती, इसलिए वह अपने किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित नहीं होते और वह जीवन की सच्चाई को नहीं समझ पाते और ना ही कभी मनचाही सफलता प्राप्त कर पाते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि लोग अक्सर दूसरे लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं और जो कम बोलते हैं और अपनी बात पर टिके रहते हैं, उन्हें सम्मान मिलता है। लोग जो कहते हैं उसे सुनते हैं और विश्वास करते हैं। और अशांत मन वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी कार्य में सफल नहीं होता, क्योंकि उनका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। अगर कोई व्यक्ति जानता है कि उसे कब, कहां और क्या कहना है, तो वह वास्तव में बहुत बुद्धिमान है। ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है आकर्षण का केंद्र बन जाता है और जो कुछ भी करता है उसमें सफल हो जाता है। यदि हम महान व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखें तो पता चलेगा कि वह कम बोलता है और कम से कम शब्दों में अपनी बात समाप्त करता है। वह बोलने से पहले गहराई से सोचता है कि उसे क्या कहना है। लेकिन जो लोग अधिक बोलते हैं, वे कई बार झूठ बोलते हैं और अपनी बातों से दूसरों के दिमाग पर कचरा डालते रहते हैं। वह अधिकतर दूसरों की बुराई ही करता रहता है, इसलिए उससे उसके अपने भी बचने लगते हैं जो उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। हमारे भारतीय उपनिषदों में कहा गया है कि हमारे वचन ही वास्तविक धर्म हो सकते हैं। मौन से धैर्य आता है, धैर्य से ध्यान आता है और ध्यान से व्यक्ति अपने जीवन के प्रति जागरूक हो जाता है। दोस्तों, आप भी प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट एकांत में शांत बैठने का प्रयास करें। इससे आप सबके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। इसी के साथ हम इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।